वक्रतुंड महाकाय, सूर्य काट समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मिते सर्वकारेषु सर्वदा। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाए गणपति जगवंदन, गाए गणपति जगवंदन। सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा प्रिय मुझ मंगल दाता, मोदक प्रिय मुझ मंगल दाता, विद्यावान विभूति विधाता, विद्यावान विभूति विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहूँ राम सिया मानस मोरे, बसहूँ शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति बप्पा। इतने भक्त आ गए पंडाल में, लेकिन आवाज ऐसा लगता है जैसे 8-10 लोग ही बैठे हुए हैं। गणपति बप्पा। इन कलाकारों के लिए समय समय पर अपना दम दिखाते रहिए और जोरदार तालियां बजाते रहिए। जय मनाओ
आरती भी संपूर्ण हो गई। इसके बाद कल जहां तक रामायण रूपी महाकुंभ अपनी यात्रा पूरी कर चुका था, उसके आगे की यात्रा आज शुरू होगी। कल की लीला में, क्योंकि लक्ष्मण परशुराम संवाद होने के बाद इतना समय नहीं होता कि हम इन कलाकारों के लिए कुछ कहकर इनकी तारीफ कर सकें, इनकी हौसला अफजाई कर सकें। कल की लीला में लक्ष्मण का किरदार अदा करने वाले कलाकार श्री राहुल नंदा, राहुल नंदा जी हाँ, कल की लीला में एक ही था दमदार बंदा, वो था मेरा छोटा भाई राहुल नंदा। जोरदार तालियां राहुल नंदा के लिए। आशीष सहरावत जिन्होंने परशुराम का किरदार अदा किया था, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि परशुराम ने किसी भी प्रकार से अपनी अभिनय कला
राहुल नंदा से कम नहीं आकी ना आकने दी। जोरदार तालियां इन दोनों कलाकारों के लिए। पुनीत कश्यप जो इस बार पहली बार हमारे यहाँ श्री राम भगवान के रूप में सभी भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, हृदय से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, इतने सुंदर और इतने धैर्यवान राम मैंने पहली बार पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी के मंच पर देखे हैं। इतना रूप श्री राम भगवान का जितना पुनीत कश्यप जी के रूप में देखने को मिला है उतना आज से पहले कभी नहीं मिला। पुनीत कश्यप जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, दिखाइए अपना दम, तालियां ना पड़े कम। अब जाने की आज्ञा दी। महाराज दशरथ, अब सीता ही आपकी पुत्री है, इसका ख्याल रखना। जनक जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, ये हमारी पुत्री जैसी है। बेटा राम, अगर मेरी पुत्री से कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करना। पिताजी, सीता हमारे साथ हमेशा आनंद में रहेगी, अब जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी, अब महाराज दशरथ ही तुम्हारे पिता हैं और उनका कहां मानना। जी पिताजी। टूट गया तेरा अंगना रे बाबुल, छूटा तेरा देश है, छूटा तेरा देश, तोड़ के तेरे बाग के बुलबुल आज चले पर राम को दिया जनक राजा, देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा, देंगे और क्या। खुश रहना ओ बेटी हमारी, तेरे बाबुल की है ये दुआ, तेरे बाबुल की है ये दुआ। खुश रहना ओ बेटी हमारी, तेरे बाबुल की है ये दुआ। डोली चली तेरे द्वार से बाबुल, मैं तो हुई पराई। डोली चली तेरे बाग से बाबुल, मैं तो हुई पराई। अरे मत रो खुशी खुशी तू कर दे आज विदाई, तुझको रोता दे
देख के मेरे दिल पे लागे ठेस, छोटा तेरा दे छूट गया तेरा अंगना वो बाबुल, छोटा तेरा देश छोटा रे तेरा बड़ी हुई तेरे गोद में पल के कोई दुख ना पाया, भूल नहीं सकता है रे बाबुल तेरे प्यार का साया, राजी खुशी जय श्री राम। जनक जी ने बड़े भारी मन से अपनी पुत्री सीता को विदा किया है। यहां अयोध्या में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह के बाद उनके स्वागत की तैयारियों में उनकी तीनों माताएं, महल के सभी कर्मचारी, सभी प्रजावासी जोरदार स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों माताएं बाट लगाए हुए हैं कि कब ये बारात, ये श्री रामचंद्र जी की बारात, सीता मैया की डोली कब अयोध्या पहुंचेगी। अगला दृश्य श्री राम बारात आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आज का एक और मनोरम दृश्य श्री राम बारात। अरे राम बने हैं बन्ना, राम बने हैं बन्ना, बन्ने पे कोई जादू ना डारो। हे राम बने हैं बन्ना, राम बने हैं बन्ना, राम बने बन्ना, बन्ने पे कोई जादू न डारो। सिया संग में सोए, सिया संग में सोए, सिया पे कोई बन्नी पे कोई जादू न डारो। राम बने हैं बन्ना, बन्ने पे कोई जादू न डारो।
अयोध्यापुरी में धूम मची है, धूम मची है। अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में धूम मची है, धूम मची है। सारी नगरिया हो, सारी नगरिया खूब सजी है, खूब सजी है। ओ सज गए सब बाराती, सज गए सब बाराती। अरे इन पे कोई, अरे इन पे कोई जादू ना डार। बोलो राम बने हैं बन्ना, बनने पे कोई जादू ना डारो। राम बने हैं बन्ना, बनने पे कोई जादू ना डालो। अरे सिया संग में सोहे, सिया संग में सोहे। सिया पे कोई, सिया पे कोई जादू ना डारो। राम बने हैं, ये पंडाल की लाइट्स को जरा ऑन कर दें। पॉल टेंट हाउस, श्री राम की बारात हमारे प्रांगण में आ चुकी है। स्वागत के लिए तीनों माताएं, सुमित्रा क्या कही? अभी तक बारात नहीं आई, बहुत मन कर रहा है कि हम भी जल्दी जल्दी समारोह में शामिल हों और मंगल गीत गाएं, है ना? कर रहा है ना? वो देखो वो बारात आ गई,
देखो, आओ मित्रा, आओ कहीं, आओ देखो शुभ घड़ी आई है, आओ मंगल गीत गाते हैं मिलकर, हम भी उत्सव मनाते हैं, आओ। हेलो हेलो, प्यारी सिया को माला पहरावे, आज खुशी में सारा अवध सजा हुआ है, लक्ष्मण भी संग में कैसे सज गए, आ गई नई नवेली अवध में, सारी अयोध्या खुशी मची है, डांस करो नाचो, ¡Gracias!
सब नाच रहे हैं, छोटे बड़े सब नाच रहे हैं, अपने रंग में सजे हुए हैं। तीनों माताएं तीनों मैया जाए बलिहारी, मैया जाए बलिहारी, बनने पे कोई जादू ना डारो, राम बने हैं बन्ना। अच्छा प्रजावासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव अब क्या आज्ञा है? महाराज, सब बच्चों को लेकर महलों में जाइए और विश्राम कीजिए। ठीक है गुरुदेव। अगले समारोह की तैयारी भी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, आप सबको लेकर महलों में चले। जो आज्ञा महाराज। लेके आओ सीते राम सिया को, तीनों मैया चली महलों में जगमग दीप जले। मुझे रोज याद दिलाना पड़ता है कि जब भी ये बच्चे ये कलाकार आप सभी के सम्मुख होकर इतने सुंदर सुंदर दृश्य सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है? दिखाइए अपना दम, तालियां ना पड़ जाए कम। श्री संजय साहनी जी, श्री सुरेश कुमार जी, ये ऐसे नाम हैं जो पीछे जहां रूप सज्जा का कार्य होता है, ये
उस युग में पहने जाने वाले कपड़े संभालने का कार्यभार श्री संजय साहनी जी, श्री सुरेश कुमार जी पिछले कई वर्षों से बेनामी के कमरे में बैठकर करते आ रहे हैं, जहां इन्हें कोई नहीं जानता बाहर की दुनिया में। आप भक्तों में मैं चाहूंगा ऐसे सभी कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नरेश राघव जी कोषाध्यक्ष का कार्यभार इतनी निपुणता से संभालते हैं, पाई पाई का हिसाब देना नरेश राघव जी भली प्रकार जानते हैं। जोरदार तालियां नरेश राघव जी के लिए। भरत रिक्खी कन्यादान के अवसर पर 1100 रुपए पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। राहुल नंदा जी के अभिनय पर खुश होकर मैं अपनी ओर से, कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से, सभी अधिकारियों की ओर से, सभी कलाकारों की ओर से भरत रिक्खी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। 1100 रुपए का महत्वपूर्ण योगदान। अभी आपने देखा राम भगवान बारात लेकर अयोध्या आ गए हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां समाहित हैं। किंतु जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूं, समय चक्र कब क्या हो जाए यह हम में से कोई नहीं जानता, और उसी समय चक्र ने जब पलटा खाया तो कहां श्री राम भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा था और कहां 14 वर्षों का वनवास हो गया। किंतु श्री राम भगवान ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य माना। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि जो छोटी मोटी जायदाद है उसके लिए भी लड़ाई झगड़े करते हैं कि ये मेरा है ये तेरा है। श्री राम भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का परिचय दिया और तमाम महलों को, खुशियों को, सबको छोड़ जंगलों में चले गए 14 वर्षों के वनवास के लिए। राम भगवान त्याग की मूरत है, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए बार बार जब भी मैं राम का नाम लेने, मेरा सौभाग्य है कि इस रामलीला मंच के माध्यम से, इस रामायण मंच के माध्यम से मुझे बार बार श्री राम भगवान का नाम राम 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 कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आपका भी सौभाग्य है कि आपके कानों में ये नाम बार बार पड़ता है और आपका दायित्व बनता है। हमारा धर्म सिखाता है हमें, हमारा धर्म सिखाता है कि अगर हम पत्थर को भी ले जाकर मंदिर में रख देते हैं तो पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। अगर हम पत्थर को भगवान बनाना जानते हैं तो इंसान पत्थर के क्यों हैं? क्या आपको जबान नहीं दी? क्या आपकी जीवा में इतनी ताकत नहीं कि श्री राम भगवान के जयकारे का जोरदार घोष करके पूरी दिल्ली की रामलीला को दिखा दो कि इससे बेहतरीन रामलीला पूरी दिल्ली में कहीं नहीं होती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अजय शर्मा जी पीछे मंच के पीछे रहकर इन कलाकारों को अगले दृश्यों के अनुसार तैयार करवाते हैं। अजय शर्मा जी लगभग 35 वर्षों से इस रामायण रूपी महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान राम अपनी कृपा सदा अजय शर्मा जी और उनके परिवार पर बनाए के रखे। अजय शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए एक बार, दिखाओ अपना दम, तालियां ना पड़ जाए कम। रघुनंदन त्रिपाठी सुमंत के किरदार में आप सभी के सम्मुख थे, और ऐसे ना जाने कितने कलाकार जो यहाँ छोटे छोटे पात्र अदा करते हैं। योगेश चोपड़ा जी ऋषि मुनियों के किरदार अदा करते आ रहे हैं, और ऐसे कई नाम हैं जिन्हें मैं भूल जाता हूँ, मैं उनसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। मुझे सबके बारे में, सबके किए हुए योगदान को महत्वपूर्ण मानते हुए
सभी का नाम यहाँ सभी को बताना चाहिए, राम भक्तों को बताना चाहिए। आप रोज गणेश वंदना का सुंदर दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत होता है, उसमें छोटी छोटी कन्याएं नृत्य करती हैं। उस नृत्य की निर्देशिका कुशल गृहिणी और कुशल नृत्य निर्देशिका स्वीटी गुप्ता। स्वीटी गुप्ता जी निशुल्क कई वर्षों से अपनी सेवाएं इस रामायण रूपी महाकुंभ को देती आ रही हैं, इस कमेटी को देती आ रही हैं। स्वीटी गुप्ता जी के लिए भी दिखाइए अपना दम, ये तो महिला शक्ति है, आज दिखा दीजिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति कितना प्रेम है, दिखाइए अपना दम, तालियां ना पड़ जाए कम। श्री सूरज जी हमारे यहाँ सुंदर और मधुर भजनों के द्वारा इतने सुंदर सुरीली आवाज के मालिक हैं। भगवान सरस्वती, माँ सरस्वती इनके गले में निवास करती है, मोतियों से भी सुंदर सुसज्जित शब्दों द्वारा ये रोज अपनी पूरी मंडली के साथ बैठकर आप सभी के सम्मुख इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। श्री राम भगवान इस पूरी मंडली पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस भजन मंडली के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। राजन, आज ये आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई है और इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हो? क्या बताऊं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और महादेव की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, परंतु गुरुदेव मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि अयोध्या की प्रजा मेरे राज्य कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो गुरुदेव आप ही बताएं मैं इसमें क्या करूं? राजन, आप अब अपनी उम्र के चौथे पड़ाव में हैं, आपको शीघ्र ही अयोध्या का नया राजा घोषित कर देना चाहिए। तो गुरुदेव आप ही कोई उपाय बतलाइए। मेरी सम्मति से तुम्हें राम को अयोध्या का नया राजा घोषित कर देना चाहिए। गुरुदेव आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, तो गुरुदेव आप ही बताइए कि राम को अभिषेक करने के लिए कौन सा दिन शुभ होगा? वैसे तो सारे ही दिन अच्छे शुभ हैं, परंतु कल का दिन अति उत्तम है, आप शीघ्र ही मंत्री जी से कहकर शहर में मुनादी कराइए और राम को कल उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी आप शीघ्र ही जाएं और पूरे नगर में मुनादी करा दें और सबसे कहें कल मेरे राम को राजा बनाया जाएगा, कल मेरे राम को राज्याभिषेक होगा, कल मेरे राम को राज्याभिषेक होगा, ये घोषणा सब में कर दी जाए, पूरे पूरे बाजार में कर दी जाए, ये घोषणा कर दी जाए। जय श्री राम। महाराज दशरथ की चिंता का उपाय गुरु वशिष्ठ ने तुरंत ही खोज डाला। श्री राम को राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी गई है, अब इसकी सूचना, इसका समाचार
अयोध्या के घर घर में पहुँचाया जा रहा है, उसके लिए मुनादी कराई जाएगी। अगला दृश्य भाट बाजार, हमारे सभी कलाकारों द्वारा इस मंच पे बहुत ही विशाल दृश्य। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, लगभग सभी दिल्ली में जहाँ रामलीलाएं हो रही हैं, इस अकेले दृश्य के लिए इतने आर्टिस्ट, इतने कलाकार एक साथ एक मंच पर कहीं नहीं आते हैं। तो जोरदार से तालियों से हमारे सभी कलाकारों का स्वागत। अगला दृश्य भाट बाजार मंथरा संवाद। टोपी ले लो, टोपी वाला टोपी ले लो। ये भाट बाजार हर रोज अयोध्या के बीच में बाजार में लगाया जाता था, जहां सुबह सुबह काढ़ा पिलाने वाले, ताजे फूल वाले आया करते थे, वहां जलेबी वाले भी हुआ करते थे, चुन्नी खिलौने सब्जी मालाएं लेकर बहुत से दुकानदार। टोपी ले लो, टोपी जो एक बार पहनेगा बाजार लगाए हुए पहनेगा। टोपी ले लो, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है टोपी लोगों का आना शुरू हो रहा है, सभी टोपी ले लो खरीदार, बच्चे टोपी वाला, बूढ़े जवान टोपी ले लो, सभी इस बाजार में टोपी ले लो नित्य आया करते थे। टोपी वाला टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी टोपी ले लो। अयोध्या की बालिकाएं, युवतियां, सभी लोग बाजार में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे बाजार में चहल पहल मच गई है, छोटे बड़े सभी लोग इस बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। अरे अरे हाथ कैसे मार रहे हो तुम, दे रहे हैं। अरे अरे अयोध्या के बाजार के अंदर धूम मची हुई है, जगह जगह नहीं भाई दुकानदार इतने में ही देंगे हम अपने सामान बेच रहे हैं। भाई हमारे भी बाल बच्चे हैं, दुपट्टे बेच रहा है, हमें टोपी क्या, दुपट्टे कोई जलेबी बेच रहा है, दुपट्टे 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 दृश्य देखते ही बनता है। अयोध्या के बाजार में छोड़ के आई युवतियां, भैया अपनों टोपी अवध में धूम मची है भारी, अवध में धूम मची है भारी। अरे घूम रहे हैं सब नर नारी, घूम रहे हैं सब नर नारी, अवध में धूम मची है भारी। दुपट्टे टोपी अरे अरे
सुनो सुनो जी मेरी बिनती सुनो, सुनो सुनो जी मेरी बिनती सुनो। नगरी अयोध्या के वास चलो जी मेरी बिनती सुनो। राजा दशरथ की आज्ञा है सुन लो करके कान, सब अपने घर बार सजाओ गाओ मंगल गान। एक बार फिर राजमहल से ये शुभ अवसर आया है, मुनिनाथ और राजगुरु ने यही लगन बताया है। क्या कल को राम बनेंगे राजा, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। अरे होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। करई विचार कुबित कुजाती होई है अकाजु कवन अब होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। करई विचार कुमुन कुजाती हो कवन विधि राती, नाम मंथरा ए जे पुनि होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। अरे ये बचुआ जरा इधर तो आ। जी काकी, जी बोलिए। ये नगर में कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, कैसे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अरे काकी तुम्हें नहीं पता क्या? अरे कल हमारे प्रभु राम को राजा बनाया जाएगा, राजा। क्या कहा, क्या कहा? मेरे भारत को राजा बनाया जाएगा, मेरे भारत को? अरे नहीं काकी, हमारे प्रभु राम को। मेरे भारत को राजा बनाया जाएगा, करती हूं तख्ता ही उलट दूंगी ये घोर प्रतिज्ञा करती हूं। बल अगर देखना हो तो मुझ
अबला में देखो रात ही रात क्या होता है, दशरथ के महलों में देखो होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है राजा राम। होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। अरे होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी आपने देखा किस प्रकार अयोध्या वासी खुशी से सरोबार हैं श्री राजा रामचंद्र भगवान जी के राज्य अभिषेक की घोषणा हो चुकी है। और इसी बीच महारानी केकई की दासी मंथरा वो भी प्रजावासियों के बीच पहुंचती हैं और सुनती हैं और उन्हें यह संदेश मिलता है कि श्री राजा रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। मंथरा अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग कर महारानी केकई की बुद्धि को भी पलट देंगी और ऐसा विश्वास कर लीजिए ऐसी ही मंथराएं आज भी हमारे समाज में विचरती हैं किसी ना किसी रूप में। हमें उन्हें ठीक से पहचानना है और हर हाल में अपने आप से दूर रखना है। मंथरा का किरदार अदा करने वाली कलाकार श्रीमती स्वीटी गुप्ता, स्वीटी गुप्ता जी जो यहाँ इन कलाकारों को, इन बच्चों को नृत्य भी सिखाती हैं, स्वीटी गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। आज समय बहुत है मेरे पास, आपसे सारी तालियां आज ही बजवानी है। चाय बनाते हैं हमारे यहाँ कलाकार, थक जाते हैं गुप्ता जी, पैसा तो लेते हैं क्योंकि बिना पैसे के घर कैसे चलेगा, लेकिन हर वर्ष यहाँ आके बड़ी ही स्वादिष्ट चाय सभी कलाकारों के लिए, बच्चों के लिए, अधिकारियों के लिए बनाते हैं। गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां भाई, चाय बनाते हैं, सबको नींद से बचा के रखते हैं, जोरदार तालियां। चटोरा कैटरर्स, जी हाँ नाम ही ऐसा है, चटोरा कैटरर्स। चटोरा कैटरर्स के मालिक हैं श्री राजेश गुप्ता और उनके पुत्र जतिन गुप्ता। जब रामायण समाप्त हो जाती है तो सभी बच्चों को, सभी कलाकारों को, सभी अधिकारियों को भूख भी लगती है। खाने पीने की उत्तम व्यवस्था को संभाला हुआ है श्री राजेश गुप्ता जी ने और उनके पुत्र जतिन गुप्ता जी ने। इसके साथ साथ उनका केटरर्स का व्यवसाय है, केटरिंग करते हैं। आपको अपने घर में किसी फंक्शन, शादी ब्याह, किसी भी समय उनकी ज़रूरत हो कि आप हमारे यहाँ आइए और खाने की व्यवस्था देखिए, तो उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं या किसी से भी ले सकते हैं। राजेश गुप्ता और उनके पुत्र जतिन गुप्ता जी के लिए दिखाइए अपना दम, तालियां ना पड़ जाए कम। आज समय बहुत है, सारी तालियां मैंने बोला है ना आज ही बजवानी है आपसे, लेकिन कल अपना स्टॉक फिर पूरा करके आ जाना,
ये अब रोज होने वाला है जब तक रामायण चलेगी। जोरदार जयकारा लगा दें एक बार। इस बार राम भगवान के लिए जयकारा नहीं लगवा रहा, इस बार आपने अपने लिए जयकारा लगाना है। बोलो जनता जनार्दन की, अपनी तो जय जोर से बोल लो, या अपने लिए भी दम नहीं है। इंसान से ज्यादा मतलबी सेल्फिश कोई नहीं होता, सबसे पहले मैं, मेरे बाद सब। तो अपने लिए तो बोलो, बोलो जनता जनार्दन की। क्या बात है, बड़ी जल्दी समझ गए। अपनी भी जय जयकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि धूप छांव दिन रात सुख दुख जिस प्रकार एक दूसरे के पूरक है, आप धूप में मेहनत करते हैं या धूप में कहीं भी निकलते हैं और आपको छांव मिलती है तो आपको एहसास होता है कि छांव क्या चीज है। जब आप सुख भोगते हैं फिर दुख आ जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि सुख क्या चीज है। सारा दिन कार्य करके दिन होता है और रात को आराम करते हैं तो हमें दिन का एहसास हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को भी एहसास है कि भक्त हैं तो मैं हूं। तो भक्तों की जय। ये नगर से ढोल नगाड़ों की आवाज कहां से आ रही है, ये कैसा शोर है, मेरे मन में उत्साह का जोर है, और आज ये मरी मंथरा कहां रह गई, किसी दासी को भेजूं? मंत्रा, आज तो तूने आने में बड़ी देर लगाई, बता नगर से क्या क्या समाचार लाई है। अरे चंचला, आज तेरी फर फर चलने वाली जबान को क्या हुआ, अरे बोलते क्यों नहीं, मौन क्यों है? मौन? हाँ मौन, मौन क्यों ना हो रानी जी, क्या तुम्हें नहीं पता कल राम को राजा बनाया जा रहा है? राजा? राजा? मंत्रा, क्या तू सच कहती है, क्या सचमुच राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा? अरे और नहीं तो क्या रानी जी, सच कहती हूँ। तब तो बड़े ही आनंद का समागम है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है, सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मंत्रा याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। ले ये संभाल और फिर दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है, तुझे तो कहना था है दासी, बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है मंत्रा। अरे मुझ पर क्यों खिसी आती हो रानी जी, बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है, तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है, जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? हाय हाय, लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर, क्या यूं ही बैठेगी तू आंखों पे पट्टी बांध कर? अरे निर्भाग, ये तो क्या कहने लगी, ऐसे अवसर पर तो तुझे आनंद मंगल गाना चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो इस देश का जो प्राण, वह बने राजा तो हर एक का कल्याण है। जब तक हित अनहित की पहचान नहीं तभी तक ऐसी बातें सुनाती हो,
जब तक आगा पीछा नहीं देख लेती तब तक मंथरा पर दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, संसार मुझे दुनिया की ऊंच नीच का अनुभव है। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई देता है। क्या पता तुमको छुपा है इस सुनहरी झोल में, देख लोगी आप क्या है ढोल के इस पोल में। चुप पापिन, बिल्कुल चुप। यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीवा तालू से निकलवा दूंगी। मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन दरबार घर वारूं, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर वारूं। जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की सोचती हूँ और तुम मुझे ही पापिन बताती हो। मैं तुम्हारा अगत बनाती हूँ और तुम मुझे ही गालियां सुनाती हो। लो जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से रहा। अरे मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। आज तुम जिसको समझती हो डिठाई मेरी, कुछ समय बाद खुलेगी भलाई मेरी। मंथरा, आज तो तू कुछ अनोखी सी बातें कह रही है, मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा, सब तात्पर्य समझ आ जाएगा रानी, जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सब तात्पर्य समझ आ जाएगा। भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने एक भारी षड्यंत्र रच डाला है। मिलेगा धूल में जीवन का साज जब तेरा याद आएगा रानी तुझे कथन मेरा। अरे मंथरा, अब तो तू यहां तक बढ़ने लगी, राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल बिछाने का निश्चय किया है? अरे मेरी मूर्खा, क्या बुद्धि को बिल्कुल ही बेच डाला है? जा, मुझे तुझसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। भोली रानी, नादान न बन, बातों पर मेरी कान लगा। अग्नि में तू यू पाव न रख, छाती में न अपनी बाण लगा। दुश्मन हो अपनी चालों में, अफसोस तुझे फिर होश न हो। ये प्यार नहीं है धोखा है रानी, रानी मत होश ना हो। अच्छा मंथरा, आगे को आ और बता, इसमें क्या हानि है? जो भरत है सो ही राम भी है, दोनों में कौन जासानी है? एक आंख की पुतली है दोनों, इस दिल की दोनों आशा है। इस घर के दीपक हैं दोनों, एक वृक्ष की दोनों शाखा हैं। रानी, जो होनी है होकर टल जाएगी, लेकिन तू मेरी बातों पर सर पीट पीट पछताएगी। ये राम जो तेरा प्यारा है, हर कुशल लाडला बेटा है, वो ही तुझको गाली देगा जो माता माता कहता है। हाँ मंथरा, ये बात कुछ मन को लगती है, स्वार्थ के वश होकर नित नए रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है रानी, राज्य मिलने से पहले राम की जो दशा है वो बाद में कदापि ना रहेगी। देख लेना रानी, तू सम्मान के बदले अपमान का कष्ट सहेगी। परंतु इसमें महाराज का क्या धोखा है?
अरे भोली रानी, इसमें धोखा नहीं तो और क्या है। भरत की अनुपस्थिति में ही राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है बता। ऐसे शुभ अवसर के लिए कल का दिन ही क्यों नियुक्त किया गया है। हरी बता, बता ना। हाँ तू ठीक कहती है, तेरा विचार बिल्कुल सही है, किंतु इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान। कैसे, वह कैसे तू जल्दी बता। तू जो कुछ कहेगी मैं वही करूंगी। अच्छा तो सुनो, एक बार राजा दशरथ शंभासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। हाँ। और उनका रथ का पहिया फंस जाने के कारण तुमने उनकी जान बचाई थी और उन्होंने तुम्हें दो वरदान देने का वचन दिया था। हाँ ये सब तो मुझे याद है। तो बस आज अपने उन्हीं दो वरदानों को मांग लो। एक में मेरे भरत लल्ला के लिए राज, और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। राम को 14 वर्षों का वनवास, किंतु राम को वनवास भेजने से लाभ, और वो भी 14 वर्षों का। अरे रानी तू बड़ी भोली है, ये सब राजनीति की बातें हैं, इनमें बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो राम यहां रहे और भरत के राज्य में विघ्न डाले। हाँ ये भी ठीक है, परंतु इतना याद रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। नहीं, इन दो वरदानों को छोड़कर किसी और बात में ना रीझ जाना। नहीं कदापि नहीं, जान से जाऊं मगर छोड़ो नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से होगी पुनर्हट। शाबाश रानी, फिर तो तेरी ही जीत है। अच्छा अब मैं कोप भवन जाती हूँ और त्रिय चरित्र का जाल फैलाती हूँ। मेरा भरत राज्य बनेगा, मैं राम को राजा बनने नहीं दूंगी। मेरा भरत राजा बनेगा, मेरा भरत। मंथरा मंथरा मैं उस युग में भी थी, मैं इस युग में भी हूँ, मैं तुम्हारे घर घर में हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मंथरा रानी तू सम्मान के बदले अपमान का कष्ट सहेगी, देख लेना रानी तू रानी से दासी बन जाएगी। दासी, तू रानी से दासी बन जाएगी। तू रानी से दासी बन जाएगी। नहीं कभी नहीं। तू रानी से दासी बन जाएगी। रानी से दासी कभी नहीं बनूंगी। तू रानी से दासी बन जाएगी। कभी नहीं बनूंगी। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, 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 कभी नहीं। मैं तो फिर कभी नहीं बनूंगी। नहीं, 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 कभी नहीं, कभी नहीं।
नहीं नहीं हेलो 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 जय श्री राम। सुमन जी, कल हमारे राम को राज्याभिषेक होगा, उस उपलक्ष में आप अयोध्या नगरी को इस प्रकार सजाएं कि स्वर्ग की सुंदरता भी अयोध्या के सामने फीकी लगे। आप अयोध्या के कोने कोने को दीप से इस प्रकार प्रकाशित करें कि मानो कल दीपावली हो। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। कुशल से मंथरा, तुम यहां? तुम्हारी प्रिय महारानी कहां गई? महाराज, वो तो कोप भवन में आपका इंतजार कर रही है। क्या कहा, कोप भवन में? हाँ हाँ महाराज, कोप भवन में। अब शीघ्र ही जाइए। आज महलों में इतना अंधकार क्यों? महलों को प्रकाशित किया जाए। ये क्या, रानी की माला के फूल? ये इस प्रकार यहां पे क्यों बिखरे हैं? लगता है इस पर रानी का कोई प्रकोप पड़ा है। के कई महारानी, प्राण प्रिय बोलो तो रंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? यदि तुम्हें किसी ने त्रास देखा हो तो वो आंखें निकलवा डालूंगा। यदि किसी ने कड़वे बोल कहे हो तो वो जीवा कटवा डालूंगा। के कई, क्यों को भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राणों से है प्यारा, उसका अभिषेक दिवस कल है। महारानी के कई, उठो, चलो चलो उठो, सोलह सिंगार करो। क्यों धूल धूषित हो रानी? क्या कष्ट, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी। इच्छा? रानी, मैं कौन तुम्हारी होती हूं? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय।
जिसे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख ना मिलती है। सम्मान मांग कर रानी जी, पूछो पूछो अपनी इन पट्टियों से। प्रियतम की प्रिया उसी में हो, भरती हो जिनको मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदैव बात का प्रेमी हो, सदैव बात का सच्चा हो। अच्छा के कही ये कविताएं जाने दो। अरे अरे बोलो तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हस्ती थी, आज भला क्यों रोती हो? अच्छा तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, बस वही मेरे वर मुझको तो बनते हो यदि धनवान प्रभु। दो वर? महारानी के कई, तुम कौन से वरों की बात कर रही हो? हमें तो कुछ याद नहीं। महाराज क्या आपको याद है जब आप इंद्र की ओर से शंभासुर के साथ युद्ध कर रहे थे और उस युद्ध में मैं भी आपके साथ थी? हाँ। और आपका रथ का पहिया टूट जाने पर मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। बिल्कुल। तब तो आपको यह भी याद होगा कि आपने इसी बात पर प्रसन्न होकर मुझे दो वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ केकई, हमें वो सारा वाक्य याद आ गया। केकई केकई, वो हम कैसे भूल सकते हैं कि उस भयंकर युद्ध में तुमने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए इस दशरथ के प्राण बचाए थे। ये प्राण तुम्हारी देन है। मांगो केकई, तुम दो के बदले चाहे चार बार मांगो, हम अवश्य देंगे। नहीं महाराज, मुझे चार नहीं, मुझे तो बस मेरे दो पर ही दे दीजिए। ठीक है रानी, हम तुम्हारी सौगंध खाकर कहते हैं तुम जो कुछ मांगोगी हम अवश्य देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। ऐसे नहीं महाराज, चिंता यदि है आपको मेरे कुछ काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा कहा झूठा है? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर समा जाएं, पृथ्वी के ये जीव चाहे आकाश में भर जाए, परंतु हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। कहा एक बार जो हमने वही अंतिम वचन होगा। सौगंध हमें है राम की, दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। आज पहली बार उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहि पर वचन न जा। धन्य हो महाराज, धन्य हो, वीरों की यही शान है, क्षत्रिय की यही पहचान है। अच्छा तो महाराज बताइए, पहला कौन सा वर मांगू, ये वाला या ये वाला?
अच्छा कैकेयी, पहले अच्छा ये वाला वर मांगो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह वर मैं आज मांगती हूं कौशल्यानंदन के बदले निक्षत का राज मांगती हूं। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सबसे विचलित मत होना, राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तब से बनवन मारती हो। तू भी ये बात जानती है, राम भरत से एक मुझे ये त्रिभुवन सारा साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा, अरे वो नहीं हुआ है 12 में। मिल जाए राजपुरथी को, उस चांस का ही स्वीकार हमें। लेकिन क्या कही राम वनों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं जान ना पाया भेदों को। रानी ले राज भरत ही को, बस बस और क्रूर व्यवसाय न कर, राम गऊ सा दया पात, उस पर इतना न्याय न कर। रानी या जो तेरा पूज्य देवता है, आज पकड़ कर पाओ तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। तब से होकर भी दूर रहो मुझसे, आनंद हा मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे हर पल रहे रहा मेरा। तो वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई जो रेत पत्थर पर, थोने से पिघल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहे वह राम, वह उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। अनीच बुद्धि वाली नारी मणिवर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती हो प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे।
रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने सतना तजा संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद माफ तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुग दधीची, जो सुयश दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगते हैं तो हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, मैं तुमसे शिवी धतीची जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, रानी के कई, रानी के कई, तू ये जानती है, ये तू क्या मांग रही है? हाँ, जानती हूँ, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्म पत्नी। आपने क्या सोचा था महाराज, ये भोली भाली रानी के कई हीरो का हार मांगेगी? भला एक राज्य से कम क्या मांग सकती थी? के कई, के कई, तू अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए कुल्हाड़ी मत बन। अच्छा अच्छा, तुझे चाहिए तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं स्वयं इसे काट के तेरे चरणों में भेंट कर दूंगा। परंतु रानी, मुझे राम के वियोग में मत तड़पा, वरना मेरी छाती सदैव सदैव के लिए चलती रहे। छाती चलती है तो चले दो। रानी रानी रानी, तुझे सिर्फ राम का वनवास भाया है। होनी बलवान है, उसी ने ये दिन दिखाया है। अरे मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास दे करके? मिलेगा जो कौशल्या को राम को राज दे करके। दया कर दे महारानी के कई, दया कर दे मेरे रोले। और महाराज, कुछ नहीं रखा सभी को व्यर्थ होने में, भूलिए मत, आप राम की सौगंध खा चुके हैं। राम की सौगंध? हाँ, हमें याद है हम राम की सौगंध खा चुके हैं। परंतु रानी तू आज रही है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी करनी पर सिर धूल धूल पछताएगी। रानी आचल पसार रानी, कर्जा ले और दान भी ले, वर ले वरदान ले, राज्य ले और मेरे Thank you.
अधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की यह अवस्था आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजभवन की यह अवस्था, हे विधाता सब कुशल से तो है। रानी जी प्रणाम। रानी जी महाराज को क्या हुआ? सुमन जी आप जाकर राम को ले आइए। परंतु रानी। आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा। जाओ सुमत तक्षण जाओ दशरथ प्रिय राम को ले आओ। पिताजी, 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 ये क्या हो गया? पिताजी, कुछ बोलते भी नहीं। ओह, ये तो अवश्य ही कोई महान दुख आया है। फिर ना ये तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लिया करते थे और संसार के सभी दुखों को भूल जाया करते थे। पिताजी, माते, आप ही इसका कारण बताइए। कुछ नहीं राम, महाराज ने मुझे दो वरदान दिए हैं, एक में भरत के लिए राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। ओ भाग्य, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण दुख मनाने की कौन सी बात है? कुछ नहीं बेटा, अब इन्हें ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। तुम ये भगवे वस्त्र धारण करो और शीघ्र ही वनों को चले जाओ। माताजी, क्या मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, अब तुम शीघ्र ही वनों को जाओ। जो आज्ञा माते। वनवास हुआ, एक और था अवधपुरी का। ये क्या कर रहे हो राम? माते, अब वनों में इन सब की आवश्यकता नहीं है। आप केवल हमें आशीर्वाद दीजिए। ले ले री मैया अपने आभूषण, हम तो चले अब वन को। बेटा राम, फिर आएंगे कभी। बेटा राम, राम, बेटा राम, बेटा राम,
सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, आप इनके साथ जाओ, इनको 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 वन घुमा लाना, गंगा स्नान कराकर वापस वापस यही भरा लाना। जाओ सुमन, जाओ क्या महाराज। क्या कहीं आज से दशरथ, ये दशरथ तेरा सदा के लिए त्याग करता है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आज के बाद तेरे कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, कभी प्रवेश नहीं करूंगा, कभी प्रवेश नहीं करूंगा। तापस वेश विदेश उदासी, तापस बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। वैसे तो सभी कलाकार अपनी अभिनय क्षमता के दम पर अपना अपना अभिनय आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने किरदार को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। उन्हीं में एक परवेश गुप्ता जी हैं। केकई का किरदार निभाने वाली सुश्री सुनैना अत्री जी, मंथरा का किरदार अदा करने वाली स्वीटी गुप्ता जी और श्री राम भगवान, निसंदेह ये सभी आपकी बेहद 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 तालियों के अधिकारी हैं। तो दिखाइए, दिखाइए अपना दम, तालियां ना पड़ जाए कम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आवाज नहीं आ रही, समझ सकता हूं, समय 12 बज गए हैं, थोड़ी लीला आज बाकी है। और आप सभी राम भक्तों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जहां आपने इतना समय दिया है थोड़ा संयम रखना और पूरी रामायण देखकर जाना, क्योंकि बाद में जो कलाकार जिनके जैसे निषाद राज, इन सब के रोल्स अभी आने हैं, इन सब के किरदार जो इन्होंने आप सभी के लिए रामायण के लिए तैयार किया है अपने आप को, अगर आप नहीं होंगे तो इनकी मेहनत निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन कलाकारों के लिए थोड़ा समय का दान जरूर दे देना, और किसी दान की आवश्यकता नहीं है आपसे। इतना तो मैं समझता हूँ आप जरूर करेंगे इन कलाकारों के लिए। करेंगे कि नहीं, करेंगे कि नहीं, करेंगे तो ये जरूर कर देना। कुछ ही क्षणों में आगे की लीला सभी भक्तों के सम्मुख होगी। महारानी केकई ने दशरथ महाराज से अपने दो वरों के अनुसार अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम भगवान के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था, और अयोध्या में कहां खुशियों के घंटे हड़ताल बज रहे थे और कहां दुखों का अंबार टूट पड़ा है। महाराज दशरथ का अपने पुत्र से वियोग का बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक दृश्य, आपके दिलों को झकझोर के रख देने वाला दृश्य अभी भक्तों के सम्मुख होगा। कृपया अपनी अपनी धड़कनों को संभाल कर समय का दान देते हुए बैठे रहिए और रामायण का आनंद लीजिए। धन्यवाद। प्रणाम माते। खुश रहो।
पसंद है? आपका आशीर्वाद है माते, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा मांग रहे हो पुत्र? माते, मुझे अब शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा हुई है, इसलिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। वन? वन? नहीं नहीं, अपनी माता से हंसी करता है पगले, अपनी माता से ढिठोली करता है? माते, ये सत्य है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सत्य है? नहीं, कताप भी नहीं, नहीं पुत्र। माते, वन? नहीं माते, कताप भी नहीं। माते, माँ, माँ क्या हुआ? स्वामी, माँ की ये दशा क्यों? प्रिय, तुम तो जान ही चुकी हो कि अब मुझे शीघ्र ही वन गमन की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं माता से आशीर्वाद लेने आया था। बस माता जी ये सुनते ही मूर्छित अवस्था में हो गई है प्रिय, अब तुम ही इन्हें शांति दो। माँ, माते, माँ, माते, उठिए माते, माँ उठिए, माँ, हे विधाता, ये कैसा चक्कर रचाया, ये भीष्म परिवर्तन कैसा? राजे अभिषेक होते होते 14 वर्ष का वनवास कैसा? मंजली माँ ने कौशल पति से 2 वरदान पाए हैं, एक में भरत को राज्य, भरत को राज्य, दूसरे में वन गमन इनको है। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला करने आई हूँ। इस समय क्या धर्म है मेरा, मेरे लिए क्या अच्छा है? माँ, माँ मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं? तू मुझसे पूछ रही है पुत्री, तू बन जाए या रहे यहाँ? और मैं तुझसे पूछ रही हूँ पुत्री, मैं प्राण त्यागूं या जीऊं यहाँ? मेरा क्या है अभी? मैं तो बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी, यदि ना कट सके तो ये होगा कि इस दुनिया से चल ही दूंगी। माँ, पर पुत्री तू ये महान दुख किस प्रकार सह सकती है? तू तो चांदनी है चंद्रमा की, अलग कैसे रह सकती है? मैं बैठ नहीं रही। ये वन तुझे अयोध्या से प्यारे हैं, जब साथ में हो तेरे परमेश्वर तो वन की देवियां सास है तेरी, और पुत्री वन के देवता ससुर है तेरे। सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान चुका हूं पति वियोग तुम नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ
बल होगा तो रह सकती हो। स्वामी अब लात छोड़ के कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप प्रभु रमाएंगे स्वामी तो भस्म मनूंगी मैं। जीव आत्मा जब चल देती है तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसा ही समझिए स्वामी, जब नाच नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। मैं कैसे ले चल सकता हूं जब हूं आज्ञा के बंधन में। मंजली माँ ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी संग में। अब तुम भी साथ चलोगी तो वह बात आन पर आएगी। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाएगी। कह चुकी बड़ी माता मुझे, वो योगी तो तू योगन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा, बोली शायद तू भी वनवासन हो। इसके पश्चात भी स्वामी, यदि आपको लगता है कि 14 वर्षों के बाद भी मैं आपको जीवित मिलूंगी तो आप मुझे यही छोड़ जाइए। सीते। बेटा अब इन बातों का विवाद नहीं। जानकी अपना पति धर्म निभाना जानती है बेटा, इसीलिए यही उचित होगा कि इसे भी अपने साथ लेकर के जाओ। हाँ माता जी, आप सत्य कहती हैं, मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। अच्छा माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। भैया भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं भैया, कि आप वनों को जा रहे हैं, क्या ये सत्य है भैया? हाँ भाई, ये सत्य है। तो भैया मेरे लिए क्या आदेश है? यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अयोध्या की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं भाई, ऐसे कठोर शब्द ना कहो। पिताजी की आज्ञा, माता का आदेश हमारे लिए शिरोधैर्य है भाई। हमें उनका पालन करना अति आवश्यक है। तो ठीक है भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए भैया। मैं तो चरणों का सेवक हूं, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? बड़े भाई पिता है एक समान, क्यों नाता तोड़े जाते हो? भाषा चतुर ना मुझ पर हो, यह टूक वचन है लक्ष्मण का, यह सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई, यदि तुम भी साथ चल दोगे तो अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? अयोध्या? भैया इस अयोध्या की रक्षा तो भाई अब भरत ही करेंगे। मुझे तो आप अपने साथ ले चलिए भैया। लक्ष्मण, जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूं? मंजली माँ ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूं? अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुंझलाएगी। लक्ष्मण। बेटा राम। माते। प्रणाम माते। बेटा
आज्ञा का है प्रश्न बड़ा, तो छोड़ दो इस विधि बंधन को। दे रही हूँ सुमित्रा आज्ञा तुम्हें, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। मंजली के बंधन में रघुवर हे सिया, आपके शासन में तो लक्ष्मण, यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, यह साथ भाई के जाएगा, यह भाई तुम्हारे जाएगा। जाओ बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, अपने भाई राम के साथ वन में जाओ और उसकी सेवा करो। जैसी आज्ञा माता जी। माते, अब हमें शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। सुख के दिन कितने शीघ्र ढले, हर आस मिटी सब स्वप्न जले। चाहे मानव हो या ईश्वर हो, पर कर्म की गति डारे न डले। तापस वेश आ गए हैं। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है, परंतु एक भी ग्राहक नहीं फंसता। अब आप ही बताइए,
ये जीवन चलाना कोई आसान कार्य है क्या? अब ये ज्योतिष विद्या क्या खाक छानने के लिए सीखी है? पापी पेट का भी सवाल है, फिर ये नन्ही सी जान तोता, इसका दाना पानी भी तो जरूरी है। अगर वो भी ना मिले तो ये भी उड़ जाएगा एक दिन फर्र से। आजा। अरे हाँ भाई हाँ, तुम चिंता क्यों करते? लो जी आ गई मछली जाल में, आज का भोनी भट्टा तो हो गया समझो। अरे सुखलाल, अब तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। अब अयोध्या में राम राज्य आने वाला। जिस प्रकार हमारे महाराज दशरथ महाप्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट है, सुना है उनके पुत्र राम उनसे भी अधिक गुणवान है, इसलिए तो उन्हें राजा बनाया जा रहा। अरे इस बात का समाचार देने मैंने सबको चौपाल पर बुलाया है। वो कैसे मुखिया जी? चलो भाई तुम भी हमारे साथ चलो। आइए जजमान आइए, आपके मुखमंडल की शोभा देखकर लगता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे ज्योतिष, अच्छे दिन आने नहीं वाले, अच्छे दिन आ गए हैं। भला वो कैसे? अरे पंडित, हमारे महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने वाले हैं। इसी बात का समाचार देने तो मैंने सबको चौपाल पर बुलाया है और वहीं से हम राज महलों को जाएंगे। अच्छा तो क्या हम भी चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ पंडित, तुम भी हमारे साथ चलो। चलो चलो मुखिया जी चलो। अरे ठहरो भाई, हम भी हैं पीछे। अरे जय शिव शंभू भाइयों, जय शिव शंभू। और सब कुशल मंगल है? प्रभु की कृपा है मुखिया जी। मुखिया जी जय शिव शंभू। जय शिव शंभू भाई, जय शिव शंभू। अरे मुखिया जी, आज ये अकारण पंचायत क्यों बुलाई है? भाइयों, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है, हमारे प्रिय राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? हाँ हाँ। इसी बात के लिए तो मैं राज महलों को जा रहा हूँ। तो क्या हम भी राज महलों को जा सकते हैं? हाँ भाइयों, तुम भी हमारे साथ राज महलों को जा सकते हो। और भाई, राज्य अभिषेक होने वाला है, किसी भी भाई को अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो हमसे आकर कर। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, अब तो आप हमें शीघ्र ही राज महलों में ले चलिए। चलो भाइयों, अब हम राज महलों को चल। ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, चलो। अरे तोता महाराज आप भी चलिए चलिए। और सब कुशल मंगल तो है ना? अरे सब बढ़िया। मैं कहता था इस पोथी में बहुत कुछ है, अच्छे दिन आए। हमारे अलावा कौन बताएगा? महाराज।
आनंद होगा। इधर हुआ रे बनवास प्रभु को नगरी नगरिया में कछु नहीं पता चले मेरे प्रभु राम को हुआ रे बनवास। मुखिया जी प्रणाम। अरे प्रणाम भाई प्रणाम। अरे मुखिया जी ये किस मनुष्य का शकल देख ली। अरे मुखिया जी ये किस मनुष्य की शकल देख ली। जब ये पैदा हुआ था ना तो पूरे गांव में अकाल पड़ गया था। मेरे पोथी में भी ये लिखा है। ऐसे नहीं कहते। देखिए कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर होगा। मुखिया जी जरा ये तो बताइए इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हो। भाइयों हमारे महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा घोषित करने वाले हैं, इसलिए हम सब राज महलों की ओर जा रहे हैं। अरे अरे भाई बड़ा ही दर्शनीय समारोह होगा। समारोह राज्याभिषेक ये सब आपको किसने बताया मुखिया जी? अब वहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कह रहे हो? तो क्या होने वाला है नानसुक? मुखिया जी राम को राजा नहीं बनाया जा रहा है बल्कि कल से ही उनको 14 वर्षों के लिए वनों में भेजा जा रहा है। देखा ना मुखिया जी मैंने कहा था ना अवश्य ही कोई अपशगुन होने वाला है और इसने आज वही बात की। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई देखा मुखिया जी मैं कहता था इसकी शक्ल अगर कोई देख ले पूरा दिन खराब हो जाता है। मेरी पोथी में भी लिखा है। अरे नहीं भाई नहीं भाई ठहरो ठहरो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इस बात की सत्यता का पता लगाने हम स्वयं राज महलों को जाए। हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ मुखिया जी तो ठीक है भाई चलिए इसे साथ ले चलो। अगर ये बात झूठ हुई तो इसे जीवित ना छोड़ेंगे। पकड़ लो इसे। इसे उचित दंड मिलेगा अगर ये झूठ बोलेगा। पहले ही अवश्य ही कोई अच्छा गुण मेरी पोथी में लिखा है। अगर ये बात सत्य निकली तो हम अयोध्या की ईंट से ईंट बजा देंगे। शांत रखो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पकड़ के ये दुष्ट भागने ना पाए। शांत रहो चल रहा देखते हैं। आप सुकनी हैं आप सुकनी पहले ही बोला था। मुखिया जी हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। भाई धैर्य धरो धैर्य धरो। चलकर देखते हैं वास्तव में क्या बात है। अब तो अयोध्या जाके ही पता लगेगा। प्रभु
प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु न जाओ हमें छोड़ के, प्रभु हमें न जाओ छोड़ के। प्रभु ये हम क्या देख रहे हैं कि आप हमें छोड़कर वनों में जा रहे हैं प्रभु। हाँ भाई ये सत्य है। तो यह सब कैसे हो गया प्रभु? भाइयों हम पिताजी महाराज की आज्ञा के पालन हेतु कुछ दिन वन दर्शनों को जा रहे हैं। बस केवल इतनी सी बात है। तो प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु हम भी आपके भाई साथ। ये संभव नहीं है प्रभु। जिस प्रकार जल बिना मीन नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम प्रजावासी आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु। हे प्रभु, ये अयोध्या आपके बिना सुनी हो जाएगी। प्रभु आप तो हमारे राजा हैं, यदि आप ही नहीं होंगे तो हे नाथ हम अनाथ हो जाएंगे। प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, हे भक्त शिरोमणि, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु हमें छोड़कर ना जाइए प्रभु, हमें छोड़कर ना जाइए। उपकार प्रभु उपकार, यदि आप ना आते तो ये सब लोग मुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ते प्रभु। भाइयों नैनसुख हमारा सेवक है, आप सब लोग इसकी बातों को अन्यथा ना लीजिएगे। ये जो कुछ भी कह रहे हैं वे सत्य है। उपकार प्रभु उपकार प्रभु उपकार। यदि आप हमें अपने साथ ना ले गए तो हम यही सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। नहीं प्रभु नहीं। ठीक है भाइयों, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो चलिए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम रे नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम रे नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम रे नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम रे नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम रे नाम। भाइयों अशोक अब रात्रि अधिक हो चुकी है, प्रातःकाल होते ही हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, इसलिए अब आप सब भी विश्राम कीजिए। जो आज्ञा प्रभु जो आज्ञा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम सिया राम पुकारो। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया
सिया राम, जय जय राम प्रभु राम मेरे राम। सुमन जी, अब आप रथ को इस प्रकार से हाकिए कि ना तो कोई आहट हो और ना ही भूमि पर कोई निशान रहे। ऐसा ही होगा प्रभु, आइए। क्या हुआ? अरे उठो भाई, उठो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भैया, क्या हो गया? प्रभु काहे को सो मचा रहे हो? प्रभु 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 वो क्या जी प्रभु कहाँ चले गए? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। हमें लगता है प्रभु श्री राम हमें छोड़कर भागे की ओर प्रस्थान कर। हो सकता है इसी में हमारी भलाई हो। चलो भाइयों। नहीं मुखिया जी, नहीं। अब हम भी अपने अपने घरों में। नहीं मुखिया जी, नहीं। लौट चलते हैं प्रभु राम, लौट चलते हैं। नहीं मुखिया जी, हम कैसे जाएंगे प्रभु राम, हमें छोड़ के चले। सच्चाई का सामना करो प्रभु, चले जाओ, लौट चलो। हमें विश्राम करने को कहा और स्वयं सच्चाई का सामना करना सीखो, और स्वयं मैया सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर मन को चले गए। अरे चलो भाई वापस चलो। नहीं मुखिया जी, नहीं मुखिया जी, कुछ कीजिए। मुखिया जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम शांति करो प्रभु। Ha!
सखा निषादराज कहिए, चित्त प्रसन्न है ना? प्रभु, ये लोग तो नादान हैं, आपकी महिमा से अनजान है, इन्हें क्षमा कीजिए। सखा, आप निश्चिंत रहिए, हम इन पर तनिक भी रुष्ट नहीं है। उपकार प्रभु, आइए विराजिए। प्रभु, इन वनों में आने का क्या कारण हुआ? सखा निषादराज, हम पिताजी महाराज की आज्ञा के पालन अनुसार कुछ दिन वन दर्शनों को आए हैं, बस केवल इतनी सी बात है। तो प्रभु, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? सेवक नहीं सखा, मित्र कहो। तो ठीक है प्रभु, मेरा रथ और मेरी ये सेना आपकी सेवा में तैयार है। सखा, हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। राम आपकी भावना को प्रणाम करता है। ठीक है प्रभु, मेरी सेना ने आपके आने की खुशी में एक विशेष मनोरंजन किया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे प्रस्तुत किया जाए। जैसी इच्छा हो सका। निषादराज, अब हमें विलंब हो रहा है, आप हमें गंगा पार जाने का मार्ग बतला दीजिए। प्रभु, आप यहीं विश्राम कीजिए और पान ग्रहण कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। नहीं सखा, हमें इन सब की अनुमति नहीं है, आप केवल हमें गंगा पार जाने का मार्ग बतला दीजिए। ठीक है प्रभु, आप दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए, वहां
आपको केवट राज मिलेंगे, जो आपको गंगा नदी पार कराएंगे। उपकार सखा, अब हमें चलना चाहिए। प्रभु, परंतु मेरी एक बात याद रखिए, मैं भी आपकी 14 वर्षों तक यहीं प्रतीक्षा करूंगा। यदि आपने एक भी दिन ऊपर लगाया तो अपने इस सेवक को जीवित ना पाएंगे। सखा निषाद राज, तुम धन्य हो। आइए प्रभु। जनों के संकट दास जनों